माई सेल्फ रवि सर और हम लोग पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड तो वी ऑलरेडी कम्प्लीटेड इन द लास्ट यू कैन सी लेक्चर इन द लास्ट वीडियो हमने स्टडी किया था अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गिज्म एंड अंडरस्टूड अबाउट सिस्टमैटिक्स टेक्सोनॉमी एंड नीमिंग सिस्टम बाई नॉमिन बायल नॉमलेचर अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं द टॉपिक वन पॉइंट थ्री टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी तो लिविंग ऑर्गजम्स को स्टडी करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में हम लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसको स्टडी करने का अभी हमें मौका मिल रहा है तो चलिए तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज तो उसके लिए बैकग्राउंड है दिस पर्सन तो दिस इज कैरोलस लिनेस हु इज अ स्वीडिश बायोलॉजिस्ट एंड ही इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड इस वर्ड को सबसे पहले ए पी दे कंडोल उज अस बॉटनिस्ट उन्होंने डेवलप किया था इज़ द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द वर्ड कॉल्ड टेक्सोनॉमी और टेक्सनॉमी के लिए लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था तो में हम लोग चार चीज़ें करते हैं पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं बाद में उसको आइडेंटिफाई करते हैं बाद में उसको क्लासिफाई करते हैं और बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन हम उन्हें साइंटिफिक ने, नेम देते हैं तो so क्लासिफिकेशन करने में हमें अलग अलग ग्रुप्स तैयार करना पड़ता है इन ए सिस्टमैटिक वे इन ए सीक्वेंस तो उसी को हम लोग अभी स्टडी करेंगे तो so कौन कौन से ग्रुप्स हैं तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं लेनेस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज इट इज़ द रूट सिस्टम ऑफ ऑल काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें हम लिविंग लुंग को क्लासीफाई करते हैं या ग्रुप्स में डालते हैं ट्र द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज इन अकॉर्डेंस विद ए पर्टिकुलर एंड वेल एस्टैब्लिश प्लान तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्या करना अरेंज करना और उसके लिए हमें पहले से प्लान या रूल मालूम होना चाहिए तो रैंडम तरीके से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं करते हैं तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एमंग द ऑर्गजम्स यानी कि अगर हमने दो ग्रुप तैयार किए तो एक ग्रुप में जितने भी लिविंग ऑर्गिजम्स हैं उन सब में कम से कम एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए और दूसरे ग्रुप में जो लिविंग ऑर्गिज्म हैं उनमें वो सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए तो दे शुड हैव ए टोटली डिफरेंट कैरेक्टर यानी कि दोनों ग्रुप ऑर्गिज्म में एक ऐसा डिफरेंस होना चाहिए विच इज़ वेरी क्लियर कट तो इसको हम लोग बाद में स्टडी करने वाले हैं हाउ इट इज डन इन द स्टडी डूरिंग टेक्सोनोमिकल कीज तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे कैसे करते हैं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है क्योंकि एक लेवल पे हम लोग क्या है क्लासिफिकेशन नहीं करते बल्कि इसमें नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व है इसको हायर की कहते हैं जिसमें हर स्टेप जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक रैंक या कैटेगरी तो विल अंडरस्टैंड हाउ दिस हायर की इज क्रिएटेड टेक्सोनॉमी हायर की भी कहते हैं तो हर जो है इट रिप्रेजेंट्स और ऑक्यूपाइज ए स्पेसिफिक प्लेस और पोजिशन इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो इस सिस्टम के हिसाब से हर लिविंग ऑर्गिजम्स को एक लेवल दिया जाता है और उस लेवल के हिसाब से उसको एक ग्रुप में रखा जाता है तो हाउ टू प्लेस एन ऑगिज्म इन वेरियस कैटेगरीज तो अलग अलग कैटेगरी जो बनाए जाते हैं उसमें ऑर्गिजम्स को रखा कैसे जाता है तो टेक्सनोलॉजिकल स्टडी ऑफ ऑल नॉन ऑर्गिजम्स से डेवलप हुआ है कुछ कॉमन कैटेगरीज तो कॉमन कैटेगरी जो हम लोगों ने तैयार किया है वो है फ़ाइलम या डिवीज़न क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीशीज तो ये सात कैटेगरीज जो है वो स्टैंडर्ड कैटेगरीज है तो इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है द नॉलेज ऑफ दोस कैरेक्टर विच इज वेरी डिस्टिंक्ट तो जब ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गिज्म हैं उनमें एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो कॉमन होना चाहिए जो स्पेशल होना चाहिए जो दूसरे ग्रुप में पाया नहीं जाता है तो उसको डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर कहते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गिज्म एंड उसका मेन बेसिस आपको मालूम ही है इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज तो सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गिज्म एक ग्रुप में और डिसिमिलर ग्रुप वाले दूसरे ग्रुप में तो इज सो सिंपल तो अब देखते हैं कैटेगरी किसको कहते हैं व्हाट इज द टेक्निकल मीनिंग ऑफ कैटेगरी ड्यूरिंग द टेक्सोनॉमी तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज द रैंक या लेवल इन द हायर कियल क्लासीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो ऑर्गेनिजम्स को जो हम क्लासीफाई करते हैं सबसे पहले बड़ा ग्रुप उसको डिवाइड करके छोटा ग्रुप फिर उसको डिवाइड करके और छोटे ग्रुप तो ये जो बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरह हम लोग आते हैं तो उसी को हायर क्लासिफिकेशन कहते हैं इट्स जस्ट लाइक ए डेवलपमेंट ऑफ फैमिली ट्री तो देर आर सेवन प्राइमरी या ओब्लिकेट और कंपल्सरी कैटेगरी तो जितने भी कैटेगरी हैं उनमें सात कैटेगरी ऐसा है जो कंपल्सरी यानी कि अगर हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेजम्स को क्लासीफाई करना चाहते हैं इस सिस्टम के हिसाब से तो दे शुड बी क्लासीफाइड इन दिस सेवन कैटिगरीज तो उनका ये सात कैटेगरी हमको डिफाइन करना है जैसे किंगडम है डिवीज़न या फाइलम है अभी डिवीज़न जो है प्लांट के लिए होता है फाइलम एनिमल के लिए होता है फिर क्लास है ऑर्डर है फैमिली है जीनस है स्पीशीज है तो यही वो सीक्वेंस है तो शॉर्ट में अभी मैं आपको बताता हूँ तो किसी भी एनिमल का सबसे पहले आपको किंगडम डिफाइन करना है वो कौन से किंगडम में है फिर आएगा वो कौन से फाइलम में है फिर वो कौन से क्लास में है वो कौन से ऑर्डर में है फिर फैमिली उसका आप फाइंड करेंगे फिर उसका जीनस फाइंड करेंगे और फिर उसका स्पीशीज फाइंड करेंगे तो हर लिविंग ऑर्गजम्स का एक परफेक्ट किंगडम डिवीजन, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीशीज डिफाइन हो जाता है तो अगर कुछ ग्रुप्स बड़े हैं तो फिर उसके नीचे हम लोग छोटे ग्रुप तैयार करते हैं उसको इंटरमीडिएट ग्रुप कहते हैं विच इज़ नॉट कम्पल्सरी तो डिपेंड्स अपॉन द नीड अगर ग्रुप किंगडम बहुत बड़ा है तो सब किंगडम तैयार हो जाएगा उसके बाद अगर क्लास बहुत बड़ा है तो क्लास के बाद सब क्लास आएगा और क्लास के पहले सुपर क्लास आएगा फिर सब ऑर्डर एज फॉलो सो फैमिली अगर बहुत बड़ा है तो फिर उसको डायरेक्ट जीनस में डिवाइड नहीं करते उसको सब फैमिली में डिवाइड करते हैं फिर ईच कैटेगरी जो आपको इधर दिख रहा है उसको क्लासिफिकेशन का यूनिट माना जाता है क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लासिफाई करना है आप लोग डायरेक्टली किंगडम से स्पीशीज में नहीं आ सकते जैसे क्लास से जीनस में नहीं आ सकते क्लास के बाद आपको ऑर्डर फाइंड करना है फिर फैमिली फाइंड करना है तभी आप जीनस फाइंड कर सकते हैं तो आउट ऑफ दिस सेवन कैटेगरीज किंगडम इज कंसिडर्ड इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है वो और स्पीशीज जो है वो सबसे छोटा यूनिट माना जाता है क्लासिफिकेशन का तो रिमेंबर शुरुआत होती है किंगडम से और एंड होता है स्पीशीज से तो स्पीशीज अल्टीमेटली बनता है इंडिविजुअल वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गिज्म चाहे वो प्लांट है एनिमल है या कोई भी माइक्रोब है तो ये सेवन वेल डिफाइंड कैटेगरीज जिसको रैंक्स या लेवल्स भी कहते हैं टेक्सा भी कहते हैं टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज कहते हैं दे आर जनरली अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर अभी डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ ऑफ द रैंक्स या लेवल तो हर कैटेगरी का लेवल जो है वो फिक्स्ड है उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है दिस अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज जो अभी हमने देखा इन डिसेंडिंग ऑर्डर और सिक्वेंस इसी को हम लोगों ने नाम दिया है हाई टेक्सोनॉमी या टेक्सोनॉमिक हाई तो इट इज़ जस्ट लाइक अरेंजिंग द पर्टिकुलर यू कैन सी स्टाफ अकॉर्डिंग टू रैंक जैसे पुलिस में सबसे ऊपर होता है आईजी इंस्पेक्टर जनरल और उसके नीचे फिर क्या होते हैं उसके नीचे होते हैं सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस उसके नीचे होते हैं इंस्पेक्टर होते हैं उसके नीचे सब इंस्पेक्टर होते हैं सब इंस्पेक्टर के नीचे कौन होता है कांस्टेबल होते हैं तो इस तरह किसी भी डिपार्टमेंट में एक टॉप ऑफिसर उसके नीचे सब ऑर्डिनेट्स है ना जैसे चीफ मैनेजर उसके नीचे सब मैनेजर तो उसके नीचे क्लर्क्स होते हैं क्लर्क में भी नीचे सबसे पहले हेड क्लर्क आएंगे फिर असिस्टेंट क्लर्क आएंगे तो इस तरह हम लोग अरेंज करते हैं चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द लेवल और रैंक तो सबसे पहले किंगडम तो किंगडम के बाद डिवीज़न आएगा फिर क्लास आएगा फिर ऑर्डर आएगा फिर फैमिली आएगा फिर जीनस आएगा फिर स्पीशीज आएगा तो इसका मतलब है किंगडम को आपको डिवाइड करना है इनटू डिवीजनस डिवीज़न को जब आप डिवाइड करोगे तो बनेंगे क्लास क्लास को जब डिवाइड करोगे तो बनेंगे ऑर्डर ऑर्डर को डिवाइड करोगे तो बनेंगे फैमिली फैमिली को डिवाइड करोगे तो बनेगा जीनस और जीनस को डिवाइड करोगे तो सबसे छोटा ग्रुप जो बन जाएगा वो है स्पीशीज अल्टीमेटली दीज आर नथिंग बट द डिफरेंट ग्रुप्स विच हैज बिन वेल डिफाइंड पहले से डिफाइन कर दिया भाई कि लिविंग ऑर्गिज्म को अगर आपको क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले उसको किंगडम फाइंड करो उस किंगडम में जितने डिवीजन से फिर चेक करो कि वो ऑर्गिज्म किस डिवीजन को बिलोंग करेगा तो इस तरह फाइनली वी कम टू द स्पीशीज तो ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे तो किंगडम जो है वह है हाइस्ट कैटेगरी और स्पीशीज जो है वो है लोवेस्ट कैटेगरी अगर एक ग्रुप या किंगडम कोई भी ग्रुप या कैटेगरी अगर इसमें बहुत बड़ा है तो इंटरमीडिएट कैटेगरी बनता है जैसे किंगडम के बाद फिर सब किंगडम के बाद डिवीजन आएगा डिवीजन के बाद फिर सब डिवीजन के बाद क्लास आएगा क्लास के बाद सब क्लास के बाद ऑर्डर आएगा ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर के बाद फैमिली आएगा एंड ऑन so अब देखते हैं टेक्सॉन किसको कहते हैं हर कैटेगरी में जितने भी ग्रुप बनते हैं उसका स्पेसिफिक नाम जो है स्पेसिफिक ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द यूनिक कैरेक्टर ऑफ देंसी ऑर्गिज्म उसको टेक्सॉन कहते हैं प्लूरल में टेक्सा कहते हैं तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो टेक्सॉन इज द वेल डिफाइंड टेक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ एनी रैंक कैटेगरी इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो इसका मतलब क्या है क्योंकि हर कैटेगरी में जैसे किंगडम में टाइप्स रहेंगे तो उस स्पेसिफिक टाइप को टेक्सॉन कहते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड जैसे कैटेगरी किंगडम जो है उसमें पांच टाइप्स है तो हर टाइप को एक नाइम दिया है तो, तो पांच टेक्सा हो गए कैटेगरी के जैसे पहला है मोनेरा फिर प्रोटिस्टा फिर प्लांट फिर फंगा है और लास्ट में है एनिमिलिया तो कैटेगरी किंगडम में पांच ऑप्शंस है हमारे पास यानी कि कोई भी अगर ऑर्गिज्म आपने अगर डिस्कवर किया या तो वो किंगडम मोनेरा के अंदर आएगा या तो वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएगा या तो वो प्लांट किंगडम के अंदर आएगा या फंगाई किंगडम के अंदर आएगा या तो एनिमल किंगडम किंगडम के अंदर आएगा तो एक साथ किसी दो किंगडम को बिलोंग नहीं करेगा सो so, इसका मतलब है टेक्सा इज द स्पेसिफिक कैटेगरी जैसे कैटेगरी सब किंगडम अगर देखेंगे तो उसके दो टेक्सा है क्रिप्टो एंड फेनरोगैम्स यानी कि सब किंगडम प्लांट का जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसमें दो ग्रुप्स आते हैं क्रिप्टोग्राम एंड फेनोग्राम तो क्रिप्टोग्राम एंड द फेनोग्राम आर द टू सब किंगडम्स ऑफ द किंगडम प्लांट तो प्लांट के दो सब किंगडम हैं क्रिप्टोग्राम एंड फेनोग्राम तो इसी तरह एनिमल में सब किंगडम जो है दो है नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट यानी कि एनिमल किंगडम के अंदर दो ग्रुप्स हैं सब किंगडम नॉन कॉडेड एंड सब किंगडम कॉडेड तो समझो आपको तो हर कैटेगरी के जितने ऑप्शन है उसको हम लोग टैक्सा कहते हैं क्या कहते हैं टैक्सा तो टैक्सा सिंपली इज द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर कैटेगरी तो कैटेगरी को जो स्पेसिफिक नाम दिया है उसको हम लोग टैक्सा कहते हैं तो एवरी टेक्सॉन इंक्लूड ऑर्गेजम हैविंग कॉमन यूनिक कैरेक्टर यानी कि एक यूनिक ग्रुप बन जाता है जैसे मोनेरा ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ ऑल द बैक्टीरियाज प्लांट ग्रुप इज द

रिमंबर दिस सीक्वेंस किंगडम डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस किंगडम डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस तो जस्ट स्पीक लाइक दैट एंड रिमेंबर द सीक्वेंस वेरी बी आस्ट द रैंडम सीक्वेंस टू बी करेक्टेड तो दिस इज द डिस ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ नजारे तो किंगडम जो है ग्रुप क्या है हाइएस्ट कैटेगरी और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट इज असेंबले ऑफ रिलेटेड फाइला इन एनिमल्स और रिलेटेड डिवीजन इन प्लांट्स यानी कि अलग अलग फाइला एनिमल्स में और अलग अलग डिवीजन मिल के जो ग्रुप बनता है उसको कहते हैं किंगडम यानी कि जितने भी फाइला है एनिमल्स में सब मिल के किंगडम बनेगा जितने भी डिविजन्स है प्लांट में सब मिल के किंगडम बनेगा तो देर आर टोटल फाइव किंगडम्स किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम प्लांट किंगडम फंगा एंड किंगडम एनिमिलिया तो किंगडम प्लांट इज डिड इनटू टू टू सिप किम अभी होता है फेन एंड सब किंगडम जो फेनरोग का है उसमें दो डिविजन्स आता है एनजियोस्पम्स एंड जिमनोसपम्स इज एग्जाम्पल बाय विच ओके वी कैन अंडरस्टैंड तो किंगडम okay, तो को डिवाइड किया है सब किंगडम में और सब किंगडम को डिवाइड किया है डिवीजन में तो अल्टीमेटली किंगडम बिकम्स असेंबलेज ऑफ रिलेटेड वर्ड डिवीजन एंड डिफरेंट डिविजन सिमिलैरिटी द सब किंगडम और सब किंगडम मिलकर आपका किंगडम बनेगा तो देखते हैं ये पांच किंगडम्स कौन से हैं मोनेरा देन यो प्रोटिस्टा तो मोनेरा इज द ग्रुप ऑफ ऑल बैक्टीरिया प्रोटिस्टा ऑल दूनिसलुलर यू कैर जिसमें अमीबा फैमिली प्रोटोसुन्स आते हैं आपके यूगलिनॉड्स आते हैं प्लांट जैसे प्रोटीन डायटम्स वगैरह आते हैं यानी गॉट प्लांट द ट्रू प्लांट जिसमें एल्गीज आते हैं और बाकी के प्लांट्स फंगस ग्रुप को सेपरेट किया है और फिर हमारा ग्रुप एनीमिलिया तो नेक्स्ट इज डिवीज़न और फाइलम डिवीज़न इन प्लांट फाइलम इन एनिमल तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास वेरी सिंपल एकदम सिंपल है तो डिवीजन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास तो डिफरेंट क्लास हैविंग सम सिमिलैरिटी फॉर्म्स द डिवीजन और टेक्सटॉमिल रैंक के हिसाब से इट इज़ हायर देन क्लास एंड लोअर देन किंगडम तो अब देखिए डिवीज़न का पोजीशन देखिए वो किंगडम से छोटा है लेकिन क्लास से बड़ा है तो एग्जांपल लेते हैं डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स उसका एक एग्जांपल लेते हैं जैसे डिवीजन ऑफ एंजियोस्पर्म इसमें दो क्लास हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट और उसी तरह एग्जांपल लेते हैं फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स फाइलम जो है कॉर्डेट, उसमें पांच क्लास हैं पाइसिस, फिशेस का एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एव्स एंड हमारा ग्रुप ममीलिया अब नेक्स्ट इज क्लास सिमिलरली क्लास इज द असेंबलीज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर यानी कि सिमिलर ऑर्डर मिलके क्लास बनता है तो डिफरेंट ऑर्डर्स हैविंग सम सिमिलरिटी फॉर्म क्लास और पोजिशन के हिसाब से देखिए क्लास डिविजन से छोटा है और ऑर्डर से बड़ा है और क्लास जो है वो बहुत ही डिस्टिंग सबसे डिस्टिंग है कभी जनरली किसी भी एनिमल का जो हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं यूनिक स्टडी करते हैं तो उसका क्लास डिफाइन करते हैं कि वो कौन से क्लास को पाया जाता है क्योंकि हर क्लास का एक डिस्टिंक्ट नेम होता है और जनरली जो ग्रुप्स एनिमल प्लांट्स के हम लोग तैयार करते हैं जैसे बर्ड ग्रुप नथिंग बट द क्लास ऑफ एब्स फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे क्लास इंसेक्टा इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स क्लास एब्स मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड्स क्लास रेप्टेल्स इज इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स फिर तो क्लास बनता है ऑर्डर से जैसे एनिमल्स में ऑर्डर प्राइमेट्स जिसमें हम लोग हैं मंकीज़ है, है कार्निवोरास जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं उन सबको क्लास मेमिलिया में, में रखा गया है अब देखते हैं ऑर्डर जिसको कोहर्ड भी कहते हैं तो ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली सिंपल तो डिफरेंट फैमिलीज सिमिलैरिटी है मिल के ऑर्डर तैयार होते हैं तो पोजिशन के हिसाब से देखिए ऑर्डर क्लास से छोटा है और फैमिली से बड़ा ग्रुप है तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं जैसे ऑर्डर प्लांट्स में ऑर्डर पॉलिनोमियल्स इंक्लूड्स फैमिली कॉन्वलेशियस एंड फैमिली सोलैनेशियस एंड एनिमल में ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली फेलिडे कैट फैमिली एंड फैमिली कैनेडी दैट इज डॉक फैमिली तो ऑर्डर मीन्स सिमिलर फैमिली का ग्रुप्स फेलिडी जो है कैट फैमिली है इसमें कैट से लेके लाइन तक इंक्लूड है और कैनेडी इज द डॉग फैमिली जिसमें डॉग वुल्स वगैरह सब इंक्लूड है फैमिली किसको कहते हैं तो क्लास के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट ग्रुप इज़ फैमिली जिसमें क्लोजली रिलेटेड जेनरा को रखा गया है या जीनेस को रुका है तो पोजीशन के हिसाब से तो फैमिली ऑर्डर से छोटा है लेकिन जीनस से बड़ा है एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर हायर केयर टेक्सोलॉमिकल रैंक तो उसका एग्जांपल देखते हैं जैसे फैमिली सोलैनिश जो पटाटो फैमिली है उसमें सोलैनम है पेटोनिया है धतूरा है देन मालवेल्स जिसमें हिबिस्कस आता है उसमें बैम बॉम्बैक्स मतलब बैम्बू प्लांट भी आता है फेलेडी फैमिली फेलेडी जो है उसमें वो कैट फैमिली है जिसमें पैंथर और फेलिस मतलब कैट पैंथरा हो गया लार्ज कैट्स एंड फेलिस हो गया स्मॉल कैट्स तो कैट्स आल्सो बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लेपर्ड टाइगर्स एंड लाइन जो फेलेडी है बट डॉग बिलोंग टू ए डिफरेंट फैमिली कॉल कैनेडी

एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेज़म का साइंटिफिक नेम तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज तो डिफरेंट स्पीशीज जो इतने रिलेटेड है जो सिमिलर है मिल के जीनस ग्रुप तैयार होता है अपोजिशन तो के हिसाब से देखिए जीनस इज स्मॉलर देन फैमिली बट लार्जर देन व्हाट स्पीशीज तो लाइन लेपर टाइगर दे बिलोंग टू द जीनस पैंथरा जो अभी बताया मैंने आपको दैट इज जीनस ऑफ लार्ज कैट And this genus differs from the genus Phyllis, which is the genus of what? Small cat. So if you similarly, plant may be potato, tomato, and brinjal. they belong to potato genus called Solanum. Then genus is very important. Because It is used for biological classification, even naming system of living as well as fossilized organism. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए लास्ट में जो दो टर्म्स है जीनस और स्पीशीज उसको यूज किया जाता है एंड जीनस बिकम्स द प्रॉपर नाउन एक्चुअल नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम जीनस एंड जीनस में वो स्पीशीज आते हैं जो एक दूसरे से मिलते तो जरूर है बट वेरी इंपॉर्टेंट दे आर नॉट एबल टू इंटिप्रेट तो जीनस इंक्लूड द स्पीशीज जो मोरपोलॉजिकल सिमिलर होते हैं लेकिन दे डू नॉट इंटरप्रेट यानी कि ऑल द मेंबर्स इन ए पर्टिकुलर जीनस डू नॉट इंटरप्रीट जैसे पोटैटो टोमेटो एंड ब्रिंजल दे डू नॉट इंटरप्रीट बिकॉज दे आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज और लास्ट में जो स्मॉलेस्ट जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन का उसको हम लोग कहते हैं स्पीशीज स्पीशीज का मतलब भी होता है वेरी स्पेशल इट इज द लोवेस्ट टेक्सटोलॉमिकल रैंक विच इज लोअर दैट जीनस तो इसके लिए ये सबसे छोटा यूनिट बन जाता है तो स्पीशीज़ जो है वो सबसे प्रिंसिपल नेचुरल टेक्सोनोमिकल यूनिट है और इसी स्पीशीज़ ग्रुप से हम लोग क्या करते हैं बायोनॉमिल नॉमिलेचर को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं क्योंकि मैंने पहले बताया जीनस और स्पीशीज़ मिलकर ही एक बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक नेम डिफ़ाइन होता है और उसमें स्पीशीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ यूनिक टू एवरी ऑर्गेनिज्म तो दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो प्रॉपर डेफिनेशन जो है स्पीशीज का टेक्निकल डेफिनेशन तो इट इज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर तो ऑल दम बिलोंगिंग टू ए वन पर्टिकुलर स्पीशीज आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू इच अदर तो बॉडी शेप साइज सिमिलर दूसरा है दे शुड बी एबल टू इंटरब्रीट अंडर नेचुरल कंडीशन तो दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस विद ईच अदर और सबसे इंपॉर्टेंट है वैन दे रिप्रोड्यूस द प्रोडूस दिंग विच आर ऑल्सो फर्टाइल तो थ्री टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज तो एक एनिमल या प्लांट को हम लोग तभी एक पर्टिकुलर स्पीशीज ग्रुप में रख सकते हैं जब ने केवल दे आर सिमिलर इन देर मॉर्फोलॉजी बट दे आर ऑल्सो एबल टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा ओनली तो यू कैन सी हॉर्स एंड टोंकी दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट दे लुक मॉर्फोलॉजी के सिमिलर लेकिन वो फिर दो अलग स्पीशीज इसके लिए हैं क्योंकि हॉर्स एंड डोंकी डू नॉट इंटरप्रिट अंडर नेचुरल कंडीशन और आर्टिफिशियल कंडीशन से अगर आपने उनको इंट्रोड्यूस रिप्रोड्यूस uh, करने दिया तब उनसे जो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो इन्फर्टाइल होता है उसको म्यूल कहते हैं देट मीन नो तो दैट्स वाइड डॉन्की एंड हॉर्स आर टू डिफरेंट स्पीशीज दे मे भी मॉर्फोलॉजी का सिमिलर दे मे इंटरब्रेट बट सिंस दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स दे आर टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज इसके लिए स्पीसीज डेफिनेशन में तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है द ऑगजम्स मस्ट बी मॉर्फोलॉज सिमिलर दे मस्ट बी एबल टू इंटीब्रेट और सबसे इंपॉर्टेंट है दे मस्ट बी रिपोर्ड्यू सिंग फर्टाइल ऑस्प्रिंग्स यानी कि उनके ऑस्प्रिंग्स भी फर्टाइल होने चाहिए तभी वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज को बिलोंग करेंगे नहीं तो नहीं तो विल सी सम ऑफ स्पीशीज जैसे मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं तो दिस ऑलरेडी इन द लास्ट यू कैन सी लेक्चर डायवर्सिटी वी हैव सीन सो यू कैन सी पोटैटो अभी देखिए पोटैटो नाइट शेड टोमेटो एंड ब्रिंजल दे गोट द सेम जेनरिक नेम सोलैनम लेकिन वो अलग अलग स्पीशीज क्यों हैं बिकॉज उनका स्पीशीज नाम अलग अलग है इसके लिए पटेटो नाइट शेड टोमैटो एंड ब्रिंजल ऑल दो दे बिलोंग टू द सेम जीनस द स्पीशीज आर डिफरेंट सो दे गॉट फोर डिफरेंट स्पीशीज तो दे आर यूनिक फ्रॉम ईच अदर सिमिलर देखिए लाइन टाइगर एंड लिपर्ड दे बिलोंग टू द जीनस पैंथरा पैंथरा का मतलब होता है लार्ज कैट लेकिन लाइन का साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो यू you नो know, लियो मीन्स लाइन टाइगर का नाम है पैथरा टिग्रिस टिग्रिस मीन्स हैविंग स्ट्रिप्स टाइगर एंड लिपर्ड का नाम है पैंथरा पार्डस तो अल्टीमेटली लाइन टाइगर एंड लिपर्ड बिकम डिस्टिंक्ट टू थ्री डिफरेंट स्पीशीज तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फिनना ऑफ टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज तो इस तरह हर प्लांट एनिमल को यूनिक नाम मिल जाता है लास्ट टू ग्रुप से हर लिविंग ऑगजम को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम मिल जाता है नॉट ओनली

ऐसे रूल्स बनाए ताकि स्पीशीज़ को भी हम लोग डिवाइड कर सकें इन सब स्पीशीज वेराइटीज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू दर इम्पॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू दर हैबिटेट सो दिस इज ए पार्ट ऑफ वेकेंसी वाट मॉडर्न टेक्सोनॉमी नाउ आपने देखा होगा डूरिंग वेकेंसी क्लासिफिकेशन तो हर फैमिली जो है ऑर्डर है उसमें एफ द टर्म यूज टू एंड विद टिपिकल टर्म तो टिपिकल टर्म्स जो है लास्ट में जो किसी ग्रुप में ऐड होता है उसको कहते हैं सफिक्स तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड सफिक्स डूरिंग क्लासिफिकेशन जैसे क्लास में निया या नियाडा हो सकता है ऑर्डर में अभी हम लोग टेक्सनोमिकल हायर की देखेंगे कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑफ सर्टन उगजम, तो सबसे पहले देखते हैं चाइना रोज ऑफ कोबरा को किस तरह क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरी और ये हम लोग देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले किंगडम उसके बाद में डिवीजन फिर क्लास फिर ऑर्डर और लास्ट में स्पीशीज तो सबसे पहले चाइना रोज इसको हिबिस्कस भी कहते हैं उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं उसके बाद में कोबरा का देखेंगे तो वन ऑफ प्लांट एंड वन ऑफ एनिमल तो कैटेगरी फर्स्ट कॉलम में है कैटेगरी जिसके हिसाब से हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं और दूसरे कॉलम में चाइना रोज का क्लासिफिकेशन uh, है और थर्ड कॉलम में कोबरा का क्लासिफिकेशन तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी किंगडम चाइना रोज बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम कोबरा बिलोंग्स टू एनिमेलिया किंगडम फिर डिवीजन के हिसाब से चाइना रोज बिलोंग्स टू एनजीओ स्पर्मे कोबरा बिलोंग्स टू कॉडेट्स क्लास के हिसाब से चाइना रोज बिलोंग्स टू डाई कॉटिलेटोनी कोबरा बिलोंग्स टू तो रिप्टेलिया फिर सब क्लास के हिसाब से चाइना रोज बिलोंग्स टू तो पॉली पैटली एंड कोबरा डिडा फिर सीरीज जो है इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट में तो चाइना रोज बिलोंग्स टू तो सीरीज थैलमी फ्लोरी कोबरा में सीरीज डिफाइंड नहीं है एनिमल्स में सीरीज डिफाइंड नहीं है फिर ऑर्डर के हिसाब से चाइना रोज बिलोंग्स टू तो मैलविल्स एंड कोबरा बिलोंग्स टू स्कोमेटा फैमिली के हिसाब से चाइना रोज बिलोंग्स टू मैलविशिया कोबरा बिलोंग्स टू एलैपिडा एंड जीनस जो है चाइना रोज का है वो हैबिस्कस कोबरा का है ना जा, जिसको नाजा नहीं कहते उसको नागा ही कहते हैं बिकॉज दिस इज़ द लैटिन वर्ड फॉर नाग तो हमने रूल के हिसाब से पहले ही स्टडी किया है कि किसी भी वर्ड को जो हम लोग यूज़ करते हैं डिफेंड करने के लिए साइंटिफिक तरीके से जब नाम देते हैं तो उसको लैटिनाइज करना है तो नाग को लैटिन में प्रनाउंसिएशन के हिसाब से नागा ही नागा ही रहेगा और स्पीशीज चाइना रोज का है रोजा सिनेंसिस और कोबरा का है नागा तो अल्टीमेटली साइंटिफिक नेम डिपेंड्स अपॉन द जीनस एंड स्पीशीज तो चाइना रोज का साइंटिफिक नेम हो जाएगा हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस और कोबरा का हो जाएगा नाग नाग सो आई थिंक यू आर सो द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सनोलोमिकल कैटेगरीज एंड दैट

क्लास है मेमिलिया, ऑर्डर है प्राइमेट्स हम लोग प्राइमेट्स में मंकी के साथ में है मंकी और एप्स के साथ में फैमिली हमारा है होमिनिडे जिसमें हम लोग ही है खाली हम लोग हैं हमारा यूनिक फैमिली है दैन जीनस है हमारा होमो विच इज द साइंटिफिक नॉम ऑफ ह्यूमन जो पहले बताया आपको और स्पीशीज एज सेपियन मीन इज इंटेलिजेंट सो हमारा बायोलॉजिकल नेम इस तरह हो जाता है होमोसेपियन तो इन दिस वे वी हैव यू कैन सी ओपटेंड अवर साइंटिफिक नेम ऑल्सो एंड क्लासिफाइड अवर सेल्फ साइंटिफिकली वी कैन ऑल्सो कैटेगराइज द लिविंग ऑर्गजम्स इन असेंडिंग ऑर्डर अब देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इस लिविंग ऑर्गजम को क्लासिफाई करेंगे तो कैसा होगा यानी कि पहले स्पीसीज डिफाइन करेंगे और लास्ट में उसका किंगडम डिफाइन करेंगे तो तीन ऑर्गजम लेते हैं हम लोग तो पहला हाउसफ्लाई दूसरा है मैंगो एंड तीसरा है वॉट बीट तो नाउ हम लोग थोड़ा रिवर्स करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर से भी हम लोग क्या है टेक्सोनोमिकल कैटेगरी को अरेंज कर सकते हैं सो दिस इज द लिस्ट तो यू कैन गो थ्रू इट तो हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू द स्पीशीज डोमेस्टिका और जीनस है मस्का तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका वर्ड थर्ड टर्म हमने ऐड किया है मैंगो का स्पीशीज है इंडिका ये इंडिया में पाया जाता है जीनस है मैंगी फेरा इसके अला मैंगो का साइंटिफिक नेम हो गया मैंगी फेरा इंडिका और वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम लिन क्योंकि स्पीशीज ऑफ वीट इज एस्टिवम जीनस इज ट्रिटिकम तो इन दिस वे वी कैन कैटेगराइज द ऑर्गजम्स इन असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर अब हम देखते हैं कि हायर हायरकल टेक्सट्रोनॉमी का इम्पोर्टेंस क्या है जो हमने एक पॉइंट यहाँ पीछे टेक्स्ट्रोनॉमी के स्टडी के टाइम पे छोड़ा था जैसे अब देखिए इंसेक्ट जो है इट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें मालूम है इंसेक्ट्स कौन होते हैं बट टेक्सट्रोनॉमिकल हायर के हिसाब से यू कैन सी इंसेक्ट ग्रुप एकदम वेल डिफाइंड है तो क्योंकि यू नो स्पाइडर तो स्पाइडर भी इंसेक्ट हम लोग जनरल स्पाइडर को इंसेक्ट बोलते हैं लेकिन स्पाइडर डू नॉट बिलोंग टू ट्रू डेफिनेशन ऑफ इंसेक्ट वो कैसे देखते हैं तो एग्जाम्पल जो है इंसेट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल स्टडी में है, वो है कॉकरोच तो कैन सी ए कॉक्रोच विज ए कॉमन हाउस होल्ड पेस्ट तो इंसेक्ट जो है सब इंसेट जो प्रॉपर इंसेट ग्रुप है उसमें कॉमन फीचर्स कौन कौन से है तो पहला है थ्री पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स तो यह सबसे यूनिक है तो इन सब इंसेट में अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो तीन जोड़ी पैर दिख रहे हैं हम और वो इसके लिए बिकॉज इट हैज गॉट थ्री थोरेसिक्स सेगमेंट्स तो बॉडी का थोरेक्स मिडल पार्ट जो है उसमें तीन सेगमेंट्स है दैट्स वाई थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स एंड दिस इज द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इंसेक्ट्स तो इसका मतलब है इंसेक्ट्स को हम लोग रिकोगनाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस फीचर और इसके लिए हम उसको एक रैंक और कैटेगरी दे सकते हैं और ये रैंक और कैटेगरी है क्लास इंसेक्टा सो ऑल द इंसेक्ट्स मीन्स ऑल द एनिमल्स कोई भी एनिमल जो है इसके पास थ्री पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स हैं और दे अबाउट थ्री थोरासिक्स सेगमेंट्स दे विल भी द क्लास इंसेक्टा तो अगर आपने कोई भी ऑर्गजम आपने अगर डिस्कवर किया और वो इंसेक्ट लग रहा है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसके पास तीन जोड़ी जॉइंटेड लेग है यानी अगर तीन जोड़ी जॉइंटेड लेग्स हैं मतलब आपने एक इंसेक्ट को डिस्कवर किया है या ऑब्सर्व किया है अगर वो चार पैर जोड़ी पैर वाला है तो नेचुरली वो स्पाइडर है और अगर पाँच वाला है तो नेचुरली वो क्रैब फैमिली को बिलोंग करता है क्रैब ग्रुप को बिलोंग करता है जिसमें प्रॉन्स वगैरह आते हैं तो नाउ आई थिंक यू आर अंडरस्टूड हाउ हायर हायरकेट एक्सट्रॉमिक्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे जो ग्रुप बनता है वो हाईली स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि उसमें उस ग्रुप का कम से कम एक स्टैंडर्ड ऐसा कैरेक्टर होगा जो किसी भी दूसरे ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है तो इस तरह कैन यू नेम सम अदर ग्रुप्स तो हम लोग क्लास एव्स को देख सकते हैं क्लास मोनोकॉट प्लांट में हम लोग मोनोकॉट को देखते हैं विद एग्जाम्पल जैसे क्लास एस में इतने सारे बर्ड्स हैं तो ये सारे बर्ड्स क्लास एवस में कैसे रखे गए हैं तो क्योंकि क्लास ए को बहुत सारे फीचर टू तो डिस्टिंग फीचर है ऑल द बर्ड्स आर फेदर्स ऑन द बॉडी एंड द बिक सो दिस टू आर द मोस्ट डिस्टिंगिशिंग फीचर ऑफ द क्लास एव्स और क्लास मोनोकोटिलोडॉन्स में प्लांट्स आते हैं तो इनमें कौन सा बेसिक फीचर है तो बहुत सारे फीचर है दो वेरी सिंपल फीचर है पत्तों में होता है पैरल यानी कि अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स ऑन द लीव्स आर पैरल टू इच अदर एंड नाम के हिसाब से द दर्ड वन कॉटिलेडॉन यहां पे मिस्टेक हुआ है टू लिख दिया है लेकिन आपको याद रखना है वन कॉटिलेडॉन इन द सीड सो विच इज वेरी यूनिक टू ऑल द मोनोकॉट्स हैव वन इन द सीट, सो दिस इज़ मिस्टेक मिस प्रिंट तो आप कंसिडर कर लीजिए तो so आप देखते हैं फाइनली कि ये टेक्सोनोमिकल कैटेगरी को जो अरेंज किया जाता है ग्रुप से ग्रुप बनाते हैं वो एक्चुअली क्या है तो इट्स जस्ट लाइक क्रिएटिंग सेट एंड उस सेट के अंदर जो हम लोग सबसेट क्रिएट करते हैं तो इट जस्ट लाइक क्रिएटिंग सेट्स एंड सबसे पिक्चर रिप्रजेंट द इंटायर लिविंग वर्ल्ड तो पूरा लिविंग वर्ल्ड एक बायोस्पिय बायोलॉजिकल वर्ल्ड बन जाता है तो इसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं अलग अलग किंगडम में तो सपोज दीज आर द थ्री किंगडम्स तो कलर कोड देखिए आप किंगडम के अंदर फिर हर किंगडम के अंदर हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं उसको कहते हैं डिविजन तो हर किंगडम के अंदर हम लोग ने ब्लू कलर का ग्रुप्स बना लिया है न फिर हर डिवीज़न के हम लोग अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं उस ग्रुप्स को कहते हैं क्लास जैसे पिंक कलर का ग्रुप बना दिया उसका मतलब हर क्लास के अंदर छोटे ग्रुप्स बनाते हैं उसको कहते हैं ऑर्डर तो ये ऑर्डर बन गए हर ग्रुप को डिवाइड किया है देखिए फिर हर ऑर्डर के अंदर जो ग्रुप बनता है उसको कहते हैं फैमिली तो ऑर्डर इज़ डिवाइड टू फैमिलीज ग्रीन कलर का ग्रुप बना फिर हर फैमिली को डिवाइड करते हैं उसमें जो ग्रुप्स बनते हैं उसको कहते हैं जीनस तो दीज आर द डिफरेंट जीनस बन गए और हर जीनस के अंदर जो अभी इंडिविजुअल स्पेशल ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल हमको मिलेंगे उसका बनता है स्पीशीज सो दीज आर द इंडिविजुअल स्पीशीज तो इस तरह पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड आर डिवाइडेड इंटू वेल डिफाइंड ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम एंड एंडिंग विद वॉट स्पीशीज तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एवरी ऑर्गिजम अंडरस्टैंड द वेरी कैरेक्टर तो अल्टीमेटली किसी भी एनिमल या प्लांट का जो कैरेक्टर है उसके लिए आपको खाली स्टडी करना है भाई वो जिस किंगडम को बिलोंग करता है तो उसका कैरेक्टर क्या है डिवीजन का कैरेक्टर क्या है क्लास का कैरेक्टर क्या है ऑर्डर का कैरेक्टर क्या है फैमिली का कैरेक्टर क्या है जीनस का कैरेक्टर क्या है स्पीशीज का कैरेक्टर क्या है और इससे हमें उस ऑर्गिज्म का बेसिक कैरेक्टर मिल जाएगा तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द स्टडी द लार्ज वैराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गिज्म क्योंकि हमें इतने सारे लिविंग ऑर्गिज्म को स्टडी करना है इंडिविजुअल स्टडी इज नॉट पॉसिबल सो विथ दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस लेक्चर आई थिंक यू हैव एंजॉयड तो बाय बाय फॉर नो एंड सी नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर होगा टेक्सोनॉमिकल एड्स जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे लिविंग ऑगजम्स को स्टडी करने के लिए कौन कौन से मटेरियल कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है तो बाय बाय गुड नाइट गुड डे